गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आंचल ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइज, आज मैं बहुत टाइम के बाद जो वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ आज मैं बहुत दिनों के बाद। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फिर आज की वीडियो में मैं आप फेशियल कैसे कर सकते हो घर में, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। मैं मतलब फेशियल करके दिखाऊंगी आपको कि आप घर में रह कर भी फेशियल कैसे कर सकते हो। आप फेशियल मसाजर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप हाथों से करना चाहते हो तो आप हाथों से भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको फेशियल का जो मसाजर है वही मैं आपको बताऊँगी कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो घर में, आप फेशियल कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बता दूँ इसके बारे में। तो ये है फेशियल मसाजर, जो यहाँ से इसका जो इसको यहाँ से मतलब इसके जो भी पार्ट इसके साथ मिलते हैं इसको अटैच करते हैं इसके साथ, फिर यहाँ से इसको ओपन करते हैं। साथ में मैंने ये डायमंड का फेशियल किट लिया है। आप कोई भी फेशियल किट जो वो ले सकते हो, बट मैंने ये डायमंड का फेशियल किट लिया है। और इसमें इसमें देखिए पांच स्टेप है इसमें, किसी किसी में चार स्टेप होते हैं, किसी में पांच होते हैं। तो इसमें पांच स्टेप हैं और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता ही दूंगी। और लेकिन उससे पहले हम अपने बालों को थोड़ा पीछे कर लें हेयर बैंड से, तो इस तरह से अपने बालों को कवर कर लें। उसके बाद जो ये स्पंजी टाइप है ना, हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और ये देखिए ये चलने लग पड़ा है, ये देखिए ये कैसे घूम रहा है ना। बस आपको इसी राउंड में आप इसको मतलब इसमें ना हाई भी होता है लो भी होता है, दो टाइप दो स्टेप भी होते हैं इसमें कि आपको हाई चाहिए या लो चाहिए। तो मैं इसको हाई में ही रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने फेस पे जो कंसीलर है स्टेप वन ये वाला अपने फेस पे पहले अप्लाई कर लूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ से ओपन करना है इसको, बस इस तरीके से आराम आराम से। आप चाहो तो हाथों का भी यूज़ कर सकते हो। बट इससे कुछ जल्दी लग नहीं रहा तो मैं अपने हाथों का ही जो वो यूज़ करूँगी। बस इस तरीके से हाथों से भी आप कर सकते हो। अगर आपको स्लोली स्लोली करना है तो आप उस फेशियल मसाजर का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरा फेस जो वो क्लीजिंग हो गया है, ये देखिए। इसके पैरों से थोड़ा साफ कर लेती हूँ अब मैं। तो स्टेप वन जो मेरा वो हो गया है, अब मैं स्टेप टू स्क्रब, अब मैं जो वो स्क्रब करूँगी अपने फेस पे। तो इसको जो हम साइड में निकाल देते हैं, और आप स्क्रब के लिए आप ये वाला ब्रश जो होता है वो यूज़ कर सकते हो। ये ब्रश टाइप नहीं होता, आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हो।
ऐसे किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हो। तो स्क्रब के लिए भी मैं अपने हाथों का इसे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा इसको भी यूज़ कर लेते हैं बीच बीच में। अभी मैं आपको अपने नेक में जो है वो करके नहीं दिखा रही हूँ। आप जब भी घर में फेशियल करो तो अपने नेक में भी आप इस फेशियल वगैरह को अच्छे से, मतलब फेशियल करें, नेक पे भी करें और फेस पे भी। मैं आपको सिर्फ फेस पे ही दिखा रही हूँ अभी। जो मेरा स्क्रब है वो ऑलमोस्ट हो गया, इसको टॉवल से साफ कर देती हूँ। और स्क्रब करने के बाद जो है वो हमें जो भी मतलब स्क्रब, हम किसी भी टाइप का स्क्रब करते हैं तो हमें स्टीम जरूर लेनी चाहिए, तो मैं भी अभी स्टीम लूँगी। मैंने जो वो अपनी स्टीम जो वो ले ली है, मैं फिर इसको साफ कर लेती हूँ। स्टेप 3 है ये क्रीम, मसाज क्रीम, ये देखिए। मसाज क्रीम के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। मसाज के लिए अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको साइड में कर दें, हाथों का ही जो वो यूज़ करें। तो मैं भी हाथों का ही कर लेती हूँ। कैसे मसाज करें अपने फेस को। तो ये देखिए मेरे अपने फेस को जो वो मसाज कर ली अपने फेस को। फर्स्ट स्टेप है ये जेल, तो इसको हम जेल अप्लाई कर लें। जेल के लिए आप ये वाला जो स्टेप है ये वाला यूज़ कर सकते हैं, मसाजर जो है ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा स्क्रब टाइप का ये, तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप।
मैं आपको बस इसको बता रही हूँ कि आपको ये कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज़ आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, अगर इसको इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर सकते हो, और हाथों का भी यूज़ जो वो कर सकते हो बीच बीच में। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ खास रिज़ल्ट नहीं दे रहा है तो आप अपने हाथों का भी जो भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे भी इसका कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो मैं अपने हाथों का ही यूज़ करती हूँ मैक्सिमम। ऑलमोस्ट डन, मेरा जो जल है वो भी ऑलमोस्ट लग गया है। अब लास्ट स्टेप है इसका पैक। तो आप जो पैक है वो अपने हाथों से अप्लाई कर सकते हो या ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, या इसके साथ मसाजर के साथ एक ये वाला ब्रश टाइप का भी आता है, आप इसके थ्रू भी लगा सकते हो, बट मैं इसके थ्रू नहीं लगाऊंगी तो उसको मैं साइड में कर लेती हूँ। मैं इसको सिर्फ अपने हाथों से ही जो वो अप्लाई करूँगी इस तरीके से। बस इस तरीके से आपको लगाना है। आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स आप इसको अपने फेस पे रहने दें। उस सूखने के बाद अपने फेस को जब गुनगुने पानी से जो वॉश कर लें। तो मैं भी मिलती हूँ आपसे आफ्टर 10 मिनट्स के बाद। फ्रेंड्स, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मेरा फेस पैक जो अच्छे से सूख गया है और उसको मैंने वॉश भी कर लिया है। तो बस इस तरीके से आप अपने फेस को क्लीन कर लें टॉवल से अच्छे से। ये देखिए मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है। और इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम, जो भी आप मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करते हो आप वो वाली यूज़ कर सकते हो। मैं फ्रूट की ये क्रीम जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, ये वाला मतलब ये वाली मॉइस्चराइजर क्रीम जो वो यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।